पटाया की। ओके, तो 3 बजे की फ्लाइट है और 10 बजे निकल रहे हैं, वहाँ पे सारी टीम मिलेगी वहीं पे। भाई पहली बार इंटरनेशनल टूर होने वाला है, पहली बार। मैं तो सोचा भी नहीं था भाई, मैंने खुद नहीं सोचा था भाई। ये बनाता मैं तेरे चक्कर में साला फ्लाइट छूट गई मेरी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की दिन तारीख है 17 तारीख। अच्छा, हम ऑलरेडी लेट है। नहीं नहीं, हम दोनों ही लेट है, और कम से कम 5-6 मिनट लेट है ना। मैं तो ज्यादा ही हूं, 5-6 मिनट मैं लेट हूं, तो कितनी लेट है? 48 पे। बहुत बढ़िया, तेरी सैलरी पूरी आएगी इस बार, ठीक है? आनी चाहिए ऐसे। आनी चाहिए ऐसे। तो गाइस, आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं वैसे ही लेट हो गया, और लेट बस इस पर्पज से हो गया। पापा कह रहे हैं कि जब से तू 13 साल में जाता हूँ ना ऑफिस, तब से मतलब आज तक, मतलब डे फर्स्ट से जब से वो मेरे साथ ऑफिस आते हैं, कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचे। आज मुझे बहुत सुना रहे थे, बहुत ज़्यादा। क्या है प्रवीण भाई? हमें तो आना ही था, क्यों नहीं आते? आराम खोरी वाले दिन है तो करूंगा। सब लोग आ चुके, मैं ही लेट हूँ। सो गाइस, करते भाई काम को स्टार्ट। और ये देख, कल वाला जो लाइट मंगाया है उसका कवर ही रह गया। भाई घर पे आ गई, कब लग जाएगा? सुबह 9:14 हो चुका है, करते काम को स्टार्ट और मिलते हैं, ब्लॉग का करेंगे शाम को कंटिन्यू दोबारा से एक बार। ओ पाजी, चलो दोस्तों की वजह से फ्लाइट छूट जाएगी मुझे लग रहा है। गाइस 3 बजे की फ्लाइट है, अभी हम निकल रहे हैं, और अभी मनीष को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है, सारे चाहते ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ। अमित आ गया सबसे ज़्यादा ऑन टाइम है, अमित गाड़ी भी रेडी है, अमित भी रेडी है। अमित चले, चलना है भाई, वो लोग आए तो फटाफट बुला यार। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी होने वाली है एयरपोर्ट से सीधा थाईलैंड पटाया की। ओके, तो 3 बजे की फ्लाइट है और 10 बजे निकल रहे हैं, वहाँ पे सारी टीम मिलेगी वहीं पे। मैं जा रहा हूँ और अमित जा रहा है, आशीष, मनीष और मेरे ऑफिस का मेरा कुलीग है सोनल भाई, वो जा रहे हैं। तो अभी हम आपसे मिलेंगे। भाई बहुत एक्साइटेड हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहा है। सर फ़ोन नहीं उठाते यार, बताओ क्या किया जाए यार। भाई कहाँ पे हो? फ्लाइट निकल जाएगी। अरे क्या आ गया यार, फटाफट निकलो यार, बस थोड़ी है जो आराम से तुम जाओगे, एक जाएगी दूसरी आएगी। अरे बस नहीं है भाई, फटाफट निकलो, मैं तुम्हें समझो मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, जल्दी निकलो जल्दी। देखो आशीष तो आ गया। अरे मनीष कहाँ है? पैकिंग कर रहा है। मम्मी से बोल के आया, चप्पल पहन के 5 मिनट आ रहा हूँ वापस, मैंने बताया नहीं है पटाया का अभी कुछ। ओ भाई चलना है यार, उसको फोन करना यार, उसके पासपोर्ट मेरे पास है। भाई इस पटाया का टूर होने वाला है, मस्त मजा आएगा यार, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ। मतलब यहाँ से हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपने गाड़ी से, मतलब पार्किंग से, और ये जो व्लॉग बंद होगा ना, ये भाई घर पहुँचने और मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ही होगा, मतलब कि वहाँ के होटल के रूम में पहुँचने के बाद ही ये व्लॉग बंद करूँगा और बाकी कंटिन्यू रहेगा व्लॉग। भाई कहाँ है यार, बुला लो ना यार। ओ भाई बस में नहीं बैठ के जाना, फ्लाइट में जाना है, टाइम से पहुँचना होता है। पहली बार तो तुम्हें लेके जा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग इतना। 3 बजे की फ्लाइट है भैया, पहली बार जा रहा है क्या? मेरा डेली आना जाना है, बैठ दूर को मैं बताऊँगा क्या करूँ। अब तो भाई बेइज्जती हो गई, पहली बार ही जा रहा हूँ, कैसे बताऊँ इसको मैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सारे के सारे, भाई अपना मन ही नहीं आया और अभिषेक नहीं आया, ठीक है, उनका वीजा कैंसिल हो गया था इस वजह से नहीं आ पाए। बाकी भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं और भाई बहुत एक्साइटेड है यार, एयरपोर्ट पर चल के मिलते हैं अभी आप लोगों से, क्योंकि बीच में ना काफ़ी लोगों को पिक भी करना है मुझे, ठीक है भाई। फटाफट चलते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है भाई, बहुत तेज वैसा लग रहा है, बस आज ही पहुँच जाओ। खा पी रहा है ना कुछ? अरे मैं भाई फ्लाइट में मिलेगा, कहाँ जा रहा है बता दे यार, सबको ये बातें बताई नहीं जाती।
भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। भाई पहली बार इंटरनेशनल टूर होने वाला है, पहली बार। मैं तो सोचा भी नहीं था भाई, मैंने खुद नहीं सोचा था। अचानक से प्लान हो गया है, अचानक से प्लान हो गया, अचानक से प्लान हो गया। बाकी टीम आ रही है और भाई हमारे जो जो मेरा बंदा है भाई, जो कुलिक्स है, वो वेट कर रहा है। ठंड तो दिल्ली में तो बहुत है, बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या है सिस्टम। आप लोग सोच रहे हो झूठ बोल रहा हूँ। आ रहे हो दोनों? दोनों आ रहे हैं। सुनल है भाई, वहाँ के जी हमारे पास सिर लगा के गाड़ी कहाँ गिर गया यार? ये यहीं पे कहीं भी खड़ी कर देगा। घर कहाँ पर है? यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही है। अंदर है? हाँ। यहीं से नीचे लेना पड़ेगा ना अमित। नीचे से है ना? नहीं आया कभी, अगर लेने भी आया हूँ तो नीचे से मैं गया था, ऊपर से नहीं गया कभी। हम ही अकेले चार होंगे लोग। लग रहा था, मैं बोलता था वैसे मैं गया भी हूँ तो नीचे से गया हूँ। नहीं आता तो ऊपर से ही है शायद। ऊपर से नहीं आता सर वैसे। यही है अपने T3 आ तो सही रहे ना? सही आ गए। अच्छा ये वाला रूट नया है? हाँ बचाने के लिए लोग जा सकते ना? ये बिल्कुल हो सकता है। बंदे ने पैसा दिया भाई साहब, यही होगा। सारी टैक्सी 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 हाँ दे, चार लेगा लेगा वो नीचे कुछ गिर गया दिखा। प्राइवेट कार सरपंच जी तो चल दिया, पुलिस वालों की जिम्मेदारी। ये वाली वीडियो बना दी सुनो सर, टैक्सी लें प्राइवेट लें। सरपंच जी तो चल दिया, पुलिस वालों की जिम्मेदारी। अरे वो महिला अधिकारी, महिला अधिकारी आगे लो, महिला अधिकारी, महिला रिपोर्ट है। ऐसी है मतलब जगह रहना। हाँ जितनी होती मैक्सिमम नाइट में होती है, मैक्सिमम परवीन के पापा को छोड़ने के लिए वो कनाडा जा रहे थे, वहां से उतर के और बात करने लगे। जब तक आए मैं कहां ले जा रहे हो यार, विद इन सेकंड। अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम। पहली बार जा रहा माना, वेट कर। कौन जा रहा है? मैं जाता था, कोई दुखी नहीं था। कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। इनको आ जाने घूम के उसके बाद चलेंगे। इसको वो एक दो तो दिन बीच में ले जाएंगे या तो फिर लेगी, फिर ऐसे करे आठ दिन आप आओगे उसी दिन लेके सीधे चलो, उसी दिन दो लोग बस। बीच में क्या ले जाएंगे? बीच में क्या ले चलेंगे? वॉशिंग आराम से ले जाएंगे। फिर गंदी क्या? चलो ठीक है सर, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय सर।
बाय हो गई चले मोए मोए आराम करेंगे हम चले आराम जाएंगे हम नहीं चल रहे क्या चलेंगे तू चलेगा पासपोर्ट का पासपोर्ट तो पड़ा हुआ सब और नहीं लगेगा मेरा क्या हमारा नहीं लगेगा हम चलते हैं नीचे बस लेते हैं सीधा रेलवे स्टेशन चार लोग भी आज अंदर ड्रिंक कर रखे हैं अच्छा ड्रिंक करके जा सकते हैं अंदर कुछ ऐसा नहीं होता अच्छा मुझे फ्लाइट भी देते हैं शायद तीस साल घर से बोल के आया हूँ चप्पल पे जा रहा हूँ घर वाले फोन करेंगे कहाँ है अरे भाई सेट है कसनी पागल हो गया फोन करेंगे खाना हूँ वो बेंचो क्या कर रहे हाँ ना वहाँ फोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे ना तो बेंचो गाड़ी का गाना आ लेगा अरे नहीं कुछ नहीं पता लगा हाँ जैसे आ जाओ ओ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ले चौहान जी थोड़ा खतरनाक बंदा है अरे भाई कर क्या है यार खतरनाक बंदा नहीं है कैसे गया देखो गिरते हुए भी जा रहे हैं ओके बढ़िया से अच्छा यहाँ तो कुछ भी नहीं कहते मतलब दारू पी के जाओ दो साल और वहां पे बैंक पकड़ के वही पटा देते जब तक सही नहीं हो दूसरी ट्रेन से अब वो मिलेगी भी एयरपोर्ट पे ये पता फायदा बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े लोग आएंगे दारू पी के जाओ जाएंगे सुल्फा पी के जाओ एंट्री है और रेलवे स्टेशन पे दारू पी लगी नहीं बैठ जाओ स्टेशन में खोल रखता पकड़ लेते हैं कोई नहीं पकड़ता आपकी टिकट में लिखा है आप लोगों को छाप ही जाना नहीं वो बंदा एक मिलेगा ना यहाँ पे जो टूर मैनेजर है वो जो आप है वो भी जाएगा यहाँ से यहीं से चालू मैनेजमेंट सारा यहीं से तेरी बहस ऐसे खड़ा है टूरिस्ट गाइड हो ना ये ऐसे खड़ा है चूतिया की आओ महिंद्रा वालों ये चूतिया खड़ा है अच्छा ये तो आए थे हमारे सीनियर्स वगैरह के साथ चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो नहीं बोल अरे सारे ये वहाँ पे अंदर वेट कर रहा होगा अंदर खड़ा होगा यहीं पे अंदर एड्रेस छह पे ही है छह पे ही है मिल गया लिखा हुआ है ना छह पे मिलवा पहुँच गया फेस ने मैं बड़ लड़खड़ा रहा है चलो सर आप निकलो सर ठीक है आप निकलो वेट करो मैं चलो भाई नाम से ना हाँ बिल्कुल हो गया पटाया ये बनाता मैं तेरे चक्कर में साला फ्लाइट छूट गई मेरी अरे यार गाइस क्या हो गया मैंने कहा था ना पहले निकल लो घर से पहले निकल लो
टाइम पर निकलना है, रेलवे स्टेशन जा रहा है। वही फ्लाइट मिस है। चलो घर चलो, क्या कर सकते हैं। पटाया बाली वाला घूम लो। तो 13 बजे से तू घर से निकल रहा था जल्दी, 12 फोन कर खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, साला दाल चावल के चक्कर में पड़ा हुआ था, साला चप्पल पे आ गया, चप्पल पे आ गया। तो हमारी जैसे नियत है ना वैसे सही है, ऐसी मर्सिडीज इतने बड़े-बड़े लोग देखा है, वैसे तुम्हारी नियत है ना वैसे तुम्हारी बरकत भी है। पकड़ मोबाइल, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है इसका। कितने का नंबर आवाज दिवे, कौन सा ये, ये तो 20-30 लाख के है यार। हमारी तो छूट गई, इसको आगे आगे रोकेंगे, यहाँ रोकेंगे। चल ये लोंदे लोंदे यहाँ मिलेंगे। गाइस ये है पटाया की गलियां और ये है वो लोग जो पटाया घूमने आए थे। पटाया जा रहा बंदा, हम बीच पे जा रहे हो क्या, बीच पे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का, रुक जा रुक जा। सुन पड़ गया तो मदहोश हो गया फ्लाइट छूटने के बाद। कैसा लग रहा फ्लाइट छूटने के बाद? अबे आप तो सच बोल दे भाई। अभी हम आपको सच बताते हैं कि रीजन क्या था हमारा एयरपोर्ट जाने का। ऑफिस के कलीग्स जा रहे थे तो उनको ड्रॉप करना था। बस बाकी तो ये कंटेंट मिल गया था। चलो भाई रात को घूमने का। ये कह रहा है ड्राइवरी कर रहा है बेंचों से। भाई देख लो पटाया की गलियां। सोनी पड़ी हुई है पटाया की गलियां। पटाया पटाया साला हमें ही सबने सो दिया। देख लो पटाया में भी यही चल रहा है। जय श्री राम। सो गाइस करते हैं यहीं पे प्रैंक को खत्म। और ये आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक था। चल पापा है, बाय जाओ सो जाओ अपने होटल में। अपने होटल में जाके सो जाओ, हट जाओ। होटल में चोरी हो रही है। मैं पटाया की होस्टेस को फोन कर रहा हूँ ताकि आपके गेट खोले। तो शूला तो लग जाएगा साले, यहाँ साथ के बंदे देख। ये तो चोर है ना। मम्मी चाबी बाहर है। हेलो हेलो। हाँ कौन? पापा। बेटा गेट खोलो, मम्मी को बोलो गेट खोलना। क्या हुआ तेरा होटल वाला खोल दे? इसके होटल की बुकिंग अलग थी, हमारे होटल की बुकिंग अलग। पापा होस्टेस से काम में टाइम लगेगा। भाई